डेडिकेटेड है इसके लिए मैं इधर आया हूँ, ये मुझे इसके लिए भाई संजय भाई को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और इस उनके 9 साल पूरे हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्या आप भी मोदी जी के साथ ही कदम मिला रहे हो? उनके भी 9 साल में पूरे हुए, आपके भी 9 साल पूरे हुए। ये कुछ योग ऐसे होते हैं जो अपने आप इतिहास बना लेते हैं, ऐसे इस योग को भी बधाई। और इस गरिमा पूर्ण कार्यक्रम को और गरिमा देने हेतु हमारे मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, हमारे गिरीश भाई शाह है जो समस्त महाजन के अध्यक्ष भी हैं, बहुत सारी सेवाकीय प्रवृत्ति के साथ साथ सोशल रिफॉर्म के लिए वो बहुत लगे रहते हैं, हमारे श्री तरुण राठी जी जो खास करके मेहमान के रूप में इधर बता रहे हैं, उसका सम्मान करने का भी मुझे मौका मिला। वो फिल्म डेवलपमेंट एक सोशल कार्यवाही के साथ करते करते समाज को भी जोड़ के उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारे अजय कौल जी जो प्रिंसिपल है, और एक प्रकार से ये स्थान उन्हीं का ही है तो हमारे यजमान भी वो माने जाएंगे, उसकी धरती पर इस अवसर को साकार करने का उन्होंने सहयोग भी किया है, इसके लिए उन्हीं का भी धन्यवाद। जेपी गुप्ता जी यहाँ महाराष्ट्र आश्रम से वरिष्ठ अधिकारी के रूप में, हमारे मुंडरा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार को पहले बधाई दूँ कि उन्होंने गौ सेवा आयोग की रचना किया, ये पहला गौ सेवा आयोग की रचना करने के लिए महाराष्ट्र शासन को, मुख्यमंत्री शिंदे जी को, हमारे सारी उनकी टीम को मैं बधाई देता हूं, और उनके पहले चेयरमैन बनने के लिए जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता रघुनाथ कुलकर्णी जी यहां मंच पर मौजूद हैं, वो बहुत ही लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने का काम कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति को पार्टी के साथ जोड़कर पार्टी का विशाल वटवृक्ष कैसे बनाया जाना है, कभी भी सामने ना आते हुए हमेशा पर्दे के पीछे रहकर बिना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की अपेक्षा किए बिना जो कुछ कार्यकर्ता इस पार्टी को बढ़ाने में लगे हैं, उनमें से एक हमारे रघुनाथ जी हैं, वो हमारा मंच शेयर कर रहे हैं, मेरे लिए बड़े आनंद का विषय है। मुझे ये भी यहाँ स्मरण कराना चाहिए कि उन्होंने गुजरात भारतीय जनता पार्टी के चुनावों में खास करके यहाँ से आकर हमारी बहुत मदद की थी पार्टी को, यहाँ जो यशस्वी विजय मिल रहे हैं उसमें बाहर से मदद करने वालों में से प्रमुख नेता के रूप में भी मैं इसका स्मरण करना चाहूँगा। हमारे विशाल भगत जी भी है, अभिजीत राणे जी हैं, ऐसे ही एक हमारे वरिष्ठ साथी भानुशाली जी किरीट भाई ये सामने बैठे हैं, एक प्रकार से मुझे रिसीव ही उन्होंने किया और आज किया है, ऐसा नहीं, ज्यादातर मैं बॉम्बे में उतरता हूं तो उन्हीं की जिम्मेवारी पार्टी डाल देती है, तो मुझे संभालने का काम सालों से वो कर रहे हैं, ऐसे हमारे किरीट भाई यहाँ मौजूद हैं। और भी कई गणमान्य लोग सामने भी हैं, कई अधिकारी लोग हैं, अधिवक्ता लोग हैं, उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, और मीडिया के सभी साथियों, आप सभी को आज के इस मंगल अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, गौ भारत भारती को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब विषय ऐसा है कि एक वर्तमान पत्र वो गाय माता को लेकर चलने का निर्णय करे, वो अपने आप में गौ का जो विषय है वो कितना दम वाला है उसी की एक साबिती है, और वो चलाते चलाते 9 साल तक पहुंचना, ये भी अपने आप में, वरना ऐसे है कि प्रेस निकल गया, हो गया,
एक दो साल लड़खड़ाया, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, हिसाब किताब हुआ, इसमें कुछ नहीं है, छोड़ दिया। मगर ये 9 साल पूर्ण करते हुए और आगे बढ़ने के संकल्प से आगे बढ़ रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत बधाई। यहां से जिक्र हुआ ब्राजील का, और वहां कृष्ण कुमार सिंह जी को स्मरण किया गया। कृष्ण कुमार सिंह जी को जब आप ब्राजील को गाय देने के लिए याद कर रहे हो, तो मुझे बहुत विनम्रता से उस महान राजवी को स्मरणांजलि देने हेतु याद करना है कि भारत संघ में पहला राज्य देने वाला वो राजवी था, भावनगर महाराज। जब आजादी के पश्चात देशी राजाओं को भारत संघ में जोड़ने का काम सरदार पटेल जी के नेतृत्व में चल रहा था, उस समय सामने से पहला राज्य भारत माता के चरणों में समर्पित करने वाला राजवी वो कृष्ण कुमार सिंह जी थे। प्रातः स्मरणीय राजवी कहने में कोई आपत्ति नहीं है। जो आज का भारत बना है उसमें जितने भी राज्यों का विलीनीकरण हुआ, इसके लिए जैसे हम सरदार साहब को याद कर रहे हैं, ऐसा ही एक पुण्यशाली महाराजा थे। उन्होंने एक गाय भेंट किया था ब्राजील में। ब्राजील वालों ने उसको वैज्ञानिक पद्धति से डेवलप किया। यहाँ कौन बोले मेरा स्मरण नहीं है, मगर यहाँ से वक्तव्य में एक स्टेटमेंट आया था कि हमारी देशी गाय दूध बहुत कम देती है, मगर फिर भी दूध बहुत अच्छा देती है। उनकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ करेक्ट करता हूँ कि हमारी ही देशी गाय ब्राजील में 60 लीटर पर डे देती है, 60 लीटर पर डे देती है। वो जो हमारा समस्या इतना ही रहा कि हमने गोपालन में वैज्ञानिक पद्धति से आने के बजाय सिर्फ पूजा में लगे रहे। पहले मुंबई में बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने दिन के करीब है गौ भारती या फिर गाय माता जी की बात हो रही है, सर क्या कहना चाहेंगे? और अजय सर और प्रेस मीडिया के माध्यम से मीडिया के साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि आपके एक साथी ने अपना पूरा मीडिया गाय माता को समर्पित करते हुए अपना काम शुरू किया और 9 साल तक उनको चलाया। इसके लिए गौ भारत गौ भारती को मैं बधाई देना चाहता हूं, भाई संजय को साधुवाद देना चाहता हूं, और हमारे राष्ट्र में इस प्रकार के डेडिकेटेड पत्रकारत्व आज भी है, इसका मुझे फक्र है। अजय सर क्या कहना चाहेंगे? सर जो है गुजरात से आए हैं और इतने बड़े इनिशिएटिव का पार्ट बने हैं, सर मुंबई में आके क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने आज आकर हमें इतना प्रोत्साहन किया, और संजय जी को भी बधाई देना चाहेंगे क्योंकि उनके पत्रों को जो उनके न्यूज़पेपर है उसको लगभग 9 साल हुआ है और उनका बहुत बड़ा योगदान है जो वो गौ माता के लिए कर रहे हैं। सर जैसे सर ने आज बात की जो इनिशिएटिव गाय माता को लेके लेना चाहिए, उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? मेरा बहुत ही करीबी संबंध रहा है संजय जी से, और उनके सारे कामों में एकता मंच उनके साथ जुड़ा हुआ है। सर एकता मंच जिस तरह के इनिशिएटिव लेता है, सर क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, और जिस तरह से उन्होंने कोविड में काम किया था और उसको लेके सर क्या कहना चाहेंगे? एकता मंच के नाते मेरा पहली बार कौन साहब से मिलना हुआ है, मगर मैंने जो जानकारी लिया उसी के चलते आपदा हो या कोई सेवाभावी का काम हो तो सबसे पहले एकता मंच के लोग मैदान में आ जाते हैं। इस प्रकार का एक संगठन को चलाना ऐसे महानगरों में, इसके चलते ज़रूरतमंदों को मदद करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ वो चला रहे हैं, उसको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मोदी के संचालन में जो इसरो ने चंद्रयान 3 का संचालन किया है, चंद्रयान की बात कर रहा हूँ, भारत देश के लिए कितनी गर्व की बात है, क्या चंद्रयान की बात कर रहा हूँ, चंद्रयान 3 ये हमारे वैज्ञानिकों को इनकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे देश को अपने वैज्ञानिकों के लिए नाज है। अब प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पे और मोदी जी का जो हम
हमारे देश के वैज्ञानिकों पर, हमारे देश के युवाओं पर और हमारे देश के टैलेंट पर उनका जो भरोसा है उस पर हमारे साइंटिस्ट खरे उतरे हैं और उसी के चलते आज हम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम लैंड हो गए तभी भारत इस उस एक क्लब का साथी हो जाएगा जिसमें अभी तक चार ही राष्ट्र हैं। अजय सर, आप कुछ कहना चाहेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, जो इतना प्राउड मोमेंट है सर? इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन आई थिंक, एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ चंद्रयान 3 एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।